हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि समर्स आ चुके हैं, और एक चीज़ जो हम इंडियंस को समर्स के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है वो है जो टैन ये हमें दे जाता है। और आई एम श्योर कि आप सब ने अपनी फेवरेट सनस्क्रीन की हंट तो शुरू कर दी होगी, बट ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं समझ आ रहा हो कि कौन सी सनस्क्रीन अच्छी है। सो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खास सनस्क्रीन के बारे में बताने वाली हूँ जो मैं काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ, और मुझे लगता है इस समर्स आपको भी उसे ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा सनस्क्रीन और सन प्रोटेक्शन के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो मेरे पास ये सनस्क्रीन है जिसका नाम है जोवीज होबल सनगार्ड। SPF 60 है और PA 3+ है, और इसकी बूट स्टार रेटिंग है 3। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाती हूँ। SPF बताता है कि हमारे सनस्क्रीन का सन प्रोटेक्शन फैक्टर कितना है, मतलब वो आपको UVB रे से कितना बचा पाएगी, और PA फैक्टर बताता है कि सनस्क्रीन आपको UVA से कितना बचा पाएगी, और एक बूट स्टार रेटिंग बताती है कि जो सन रेज हम पर आ रही हैं उससे कितना इवन प्रोटेक्शन मिलता है इस सनस्क्रीन से। ये सनस्क्रीन पैराबेन फ्री है, तो ये सेंसिटिव स्किन के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, जिन्हें अक्सर सनस्क्रीन लगा के इरिटेशन होता है या आईज बर्न होती हैं या उन्हें सेंसिटिविटी इश्यूज होते हैं, वो भी ये सनस्क्रीन को आराम से ट्राई कर सकते हैं। इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट है और ये बहुत सीमलेसली मेरी स्किन में अब्जॉर्ब होता है जैसे मैं इसे मसाज करती हूँ। अब अगर ऐसी कोई सनस्क्रीन है जो आपको भी पसंद आ गई है तो मेरा सजेशन है कि आप उसे यूज़ करते रहिए रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग टू मच, क्योंकि बहुत ही कम सनस्क्रीन है जिनका टेक्सचर, जिनकी क्वालिटी हमें बहुत अच्छी लगती है अपनी स्किन पे। इस सनस्क्रीन की खास बात है कि ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, इसका मतलब इसमें केमिकल फिल्टर्स भी है और फिजिकल फिल्टर्स भी हैं, जिसे हम मिनरल फिल्टर्स कहते हैं। अब ये जो मिनरल फिल्टर्स हैं ये हमारी स्किन पे पतली सी परत बनाते हैं और वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसमें जो केमिकल या ऑर्गेनिक फिल्टर्स जिन्हें हम कहते हैं वो जो है वो लाइट को अब्सॉर्ब करके उसे हीट में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो हमारी स्किन सेल्स को डैमेज ना करें। क्या आप जानते हैं कि सनस्क्रीन आपको प्रीमेच्योर एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, स्किन कैंसर्स और सनबर्न्स सबसे प्रोटेक्ट कर सकती है? लेकिन क्योंकि इतनी सारी सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप अपने और अपने परिवार वालों के लिए कौन सी अच्छी सनस्क्रीन चूज करें ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको लेबल्स में क्या क्या देखना चाहिए, उनका मतलब क्या होता है, पहले जानते हैं कि सन प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है। तो UVA जो रेज होती है वो काफी लॉन्ग वेवलेंथ रेज होती है कंपेयर टू UVB, तो उनका पेनिट्रेशन आपकी स्किन में ज़्यादा गहरा होता है, जिसकी वजह से वो आपके कोलेजन और इलास्टिन जो डीपर लेयर्स में होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है और प्रीमेच्योर एजिंग के साइंस आते हैं। सो दिस गिव्स यू द अर्ली अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स अराउंड योर आईज एंड ऑन योर स्किन। वैसे ही UVB रेज जो होते हैं वो स्किन कैंसर्स में इम्प्लिकेटेड होते हैं, वो हमारे सेल के DNA को डैमेज करते हैं, और वो डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, मेलास्मा जैसी कंडीशंस को भी इंड्यूस करते हैं। तो इसीलिए जब आप सनस्क्रीन चूज करें आपको UVA प्रोटेक्शन भी जरूरी है और UVB प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सन प्रोटेक्शन आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स, प्रीमेच्योर एजिंग, ब्लेमिशेस इन सब से बचाएगा, बट अगर आपको ऑलरेडी मेलास्मा या झाइयां या ब्लेमिशेस अपनी स्किन पे हैं उसके बाद भी सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन इन पिगमेंट्री कंडीशंस को और गहरा होने से रोकेगा। तो अब हमें पता चल गया कि सन प्रोटेक्शन तो जरूरी है, तो अब सनस्क्रीन कैसे चूज करनी है, तो उसके लिए आपको सनस्क्रीन का लेबल बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपकी सनस्क्रीन पे ये लिखा हो सकता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, या फिर उसमें SPF और PA फैक्टर मेंशन होगा, जैसे कि अभी हमने देखा जो जोवीज हर्बल की सनगार्ड सनस्क्रीन है उसका SPF 60 है और PA 3+ है। SPF 30 से ज्यादा होना चाहिए इन अ कंट्री लाइक आवर्स जहां धूप अच्छी खासी पड़ती है, उससे कम SPF शायद आपको उतना प्रोटेक्शन ना दे पाए। SPF बताता है कि सनस्क्रीन आपको UVB रे से कितना बचाती है। वैसे ही PA फैक्टर कम से कम 3+ होना चाहिए, मतलब वो सफिशिएंट UVA प्रोटेक्शन आपको दे रही है, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया UVA रेज हैं जो प्रीमेच्योर एजिंग जल्दी करवाती है। अगर आपकी सनस्क्रीन पे वाटर रेजिस्टेंट लिखा है तो ये और भी अच्छी बात है, पर ये याद रखिए कि कोई भी वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन आपको सिर्फ 40-80 मिनट्स का वाटर रेजिस्टेंस देती है। इसके बाद अगर आप पानी में है तो आपको बाहर निकल के फिर से अपनी सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना जरूरी है। सेम गोज फॉर अगर आप जिमिंग करते हैं बाहर, आप धूप में स्वेटिंग होती है और आपको सनस्क्रीन लगानी है, तो आपको 40-80 मिनट्स के बाद उसे रीअप्लाई करनी चाहिए, बिकॉज स्वेट से आपकी वो सनस्क्रीन वॉश ऑफ हो जाती है। अब जानते हैं कि सनस्क्रीन को लगाना कैसे चाहिए। आइडियली हम सजेस्ट करते हैं कि आप 3 finger length यूज कीजिए अपने फेस और नेक को कवर करने में, इससे थिन लेयर पूरे स्किन पे बन जाती है और ये ऑप्टिमम प्रोटेक्शन ऑफर करती है। याद रखिए कि जब आप सनस्क्रीन
सनस्क्रीन लगाते हैं तो उसे बाहर निकलने के कम से कम 20 मिनट पहले लगाइए। इसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन के जो फिल्टर्स हैं उनको आपकी स्किन में जाकर एक्टिवेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसके बाद ही वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। कई लोग फेस और नेक पे तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं बट वो ईयर्स को, अपने हैंड्स के बैक को भूल जाते हैं, नेप ऑफ द नेक को भूल जाते हैं, तो इन सब जगह पे अलग से एजिंग या डार्कनिंग हो सकती है। इसीलिए सारे सन एक्सपोज्ड एरियाज को आप कवर करना मत भूलिए। अब आपने कई लोगों से सुना होगा कि हर 2-3 घंटे में सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बट क्यों लगाना जरूरी है? दो कारण है जिस वजह से सनस्क्रीन इनइफेक्टिव हो जाती है 2-3 घंटे में। एक तो धूप आपकी सनस्क्रीन को तोड़ती है और जिसकी वजह से उसकी इफेक्टिविटी कम होती जाती है। दूसरा, आपकी सनस्क्रीन खुद भी क्लंप कर जाती है और वो स्पेसेस या गैप्स छोड़ जाती है आपकी स्किन में जो अनप्रोटेक्टेड रह सकते हैं, और इस कारण से सनस्क्रीन को एवरी 2-3 आवर्स रीअप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब ये तो हो गई सनस्क्रीन की बात, बट सनस्क्रीन यूज करने के अलावा आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने आप को सन से बचाने के लिए। सबसे पहली चीज है कि आप 10 बजे से 2 बजे की जो धूप होती है उसे आप अवॉइड कीजिए। इसका मतलब जब आपका खुद का शैडो आपसे छोटा बन रहा है, क्योंकि इस समय पर आपका जो यूवी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा है और सन डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ रहा है, काफी डीप पेनेट्रेट कर रही है सनरेज और ज्यादा डैमेज होता है। इसके अलावा अगर आप इस टाइम पे बाहर जाते भी हैं सो सीक शेड, इसका मतलब कि आप डायरेक्ट धूप में वॉक करने के बजाय पेड़ की छाव में वॉक कीजिए या कहीं भी बिल्डिंग की जो शेड होती है उसमें वॉक करेंगे, तो ऐसा देखा गया है कि इससे 50% यूवी रेस कट हो जाती हैं इफ यू सीक शेड। जब आप बाहर निकलते हैं तो एक ब्रॉड ब्रिम्ड हैट, अपने सन ग्लासेस जिसमें यूवी प्रोटेक्शन की लेंसेज होती हैं, इवन लॉन्ग स्लीव्ड कॉटन लूज क्लोदिंग भी आप पहन सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये था मेरी तरफ से सन प्रोटेक्शन और सनस्क्रीन के बारे में। अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो आई एम श्योर आपको ये पसंद आई होगी। आपने जोवीज हर्बल की सनगार्ड सनस्क्रीन ट्राई की कि नहीं, आप ये मुझे कमेंट्स में बताइए, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर सनस्क्रीन से रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में उन्हें जरूर छोड़िए, और हमें ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। अप अंटिल देन, हैव सेफ समर्स।